सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस व उसका थाने की पुलिस टीम ने कल हुई 32 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंध में मृतक महिला की बेवफाई से नाराज उसके आशिक ने उसकी हत्या कर दी थी। गिरफ्तार हत्यारोपी से पुलिस ने असलाह कत्ल कुलाड़ी भी बरामद कर लिया है। शनिवार को इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस व उसका थाने की पुलिस ने बड़ी मेहनत कर इस हत्या का खुलासा 24 घंटे के भीतर ही कर दिया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस हत्या के पीछे की असली वजह मृतका शैलेश का अभियुक्त विनोद से अवैध संबंध निकल कर सामने आया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि मृतका शैलेश का आरोपी विनोद कुमार साहनी पुत्र मोतीलाल निवासी मटियार थाना कुलहरिया जिला गोरखपुर में अवैध संबंध था। पुलिस ने विनोद को मुखबिर खास की सूचना पर आज सुबह गोरखपुर के कर्मा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के अनुसार आरोपी विनोद ने बताया कि उसे मृतका शैलेश से कई वर्षों से संबंध थे। इधर मृतका उससे कुछ दूर रहने लगी थी। उसे शक था कि वो किसी और के संपर्क में आ गई है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी होती रहती थी। घटनास्थल की रात भी वो मृतका शैलेश से मिलने आया था और काफी समझाने के बाद जब मृतका नहीं मानी तो गुस्से में आकर बगल में पड़ी कुलाड़ी से उसने मृतका की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस कप्तान ने बताया अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसे समुचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है और पुलिस टीम को 15,000 का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ये कल सुबह थाना उसका बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम है नटवाताल, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुँची थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया था। मौके पर जब बात की गई तो महिला के साथ उसके दो बच्चे उस रात को थे। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि एक विनोद साहनी नाम का व्यक्ति है जो उस रात को आया था, पहले भी आता रहा है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया गया था और इसमें हमारी एसओजी एवं थाना उसका की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस महिला से इसका प्रेम संबंध था और नियर टाइम में ये महिला अन्य लोगों से भी बात करने लगी थी, जिसके वजह से इसमें ईर्ष्या थी और इसी के चलते इसने इस महिला की हत्या कर दी। और टीम ने इसमें जो आला कत्ल है जिस कुलाड़ी से महिला की हत्या करी गई उसको भी बरामद किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।